दोस्तों, अगर आप गोरखपुर में रहते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि बहुत जल्दी ही गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसें चलने वाली हैं। दोस्तों, नवंबर में महानगर के निर्धारित रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें फर्राटा भरने लगेगी। 15 इलेक्ट्रिक बसें गोरखपुर पहुंच चुकी हैं, जो नौसा डिपो परिसर में खड़ी हैं। जल्द ही अन्य बसें भी पहुँच जाएंगी। बसों को संचालित करने के लिए परिवहन निगम ने तैयारियाँ तेज कर दी है। चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। गोरखपुर पहुंच चुकी हैं 15 इलेक्ट्रिक बसें। महेसरा में बन रहा है चार्जिंग स्टेशन। महेसरा में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण अंतिम चरण में है। कार्यदायी स्थान का कहना है कि 15 नवंबर तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन परिवहन निगम का मानना है कि 20 नवंबर से पहले निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। चार्जिंग स्टेशन का कार्य पूरा होने के बाद ही बसों का संचालन शुरू हो पाएगा। 20 नवंबर से बसों की चलने की है उम्मीद। जानकारों के अनुसार 20 नवंबर के बाद कभी भी इलेक्ट्रिक बसों का गोरखपुर में संचालन शुरू हो जाएगा। जल्द ही संचालन की तिथि भी निर्धारित कर ली जाएगी। केसरिया रंग की ये बसें पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ना आवाज़ करेगी और ना धुआं निकलेगी, यानी प्रदूषण पर पूरी तरह से अंकुश रहेगा। इलेक्ट्रिक बसों में सुरक्षा के पूरे हैं इंतजाम। बसों में सीसी कैमरे लगे हैं, सीटों पर पैनिक बटन, सामने डिस्टिनेशन बोर्ड लगा है। महिला और दिव्यांग यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधा सुनिश्चित की गई है। बस 45 मिनट में चार्ज होगी। एक बार चार्ज होने के बाद 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। GPS आधारित इन बसों की निगरानी सीधे लखनऊ से अधिकारी करेंगे। इलेक्ट्रिक बसों के पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। महेसरा में यथाशीघ्र चार्जिंग स्टेशन निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित कर दिया गया है। 20 नवंबर के बाद बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। जल्द ही तिथि भी निर्धारित कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।